तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स और इनफैक्ट सेकंड पार्ट ही आप मान लीजिए नंबर सिस्टम। मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर इस पूरे चार लेक्चर में अगर कोई है तो ये है, मतलब ये फिक्स है। आप अगर लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स देख लें तो हर साल एक सवाल तो इस जो अभी एक घंटे में पढ़ने वाले एक सवाल एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। अब सिर्फ मेरे ख्याल से याद आ रहा है 2013 में और 14 में सवाल नहीं आया है, लेकिन 2011 में दो सवाल आया, लेकिन हर साल एक सवाल तो एकदम फिक्स है जो एक घंटे में जो हम लोग पढ़ने वाले उससे आना ही आना है। इसको बहुत अच्छे से सीखें आप, बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजें आने वाली है, बहुत सारे डिफिनेशन आने वाले हैं, वो मैं डिफिनेशन आपको लिखवाऊंगा नहीं। बेसिकली मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ये टॉपिक तो मैं शीट दे देता हूँ, है ना, पूरी थ्योरी ऑलरेडी पहले से बच्चों को मौजूद होती है, तो मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड नहीं ऐसा करता हूँ, पीडीएफ ही मैं आपको दिलवा देता हूँ, लेकिन वो वाला शीट नहीं, आपको उससे भी एक एडवांस शीट आपको दिलवाता हूँ। मैं एक नेक्स्ट किताब पे काम कर रहा हूँ जो कि एक पॉकेट बुक है, एक छोटी सी किताब है जो कि एकदम पॉकेट बुक के मतलब आराम सा पॉकेट में कैरी कर सकते हो। उसमें करीबन 22 चैप्टर मैं बना रहा हूँ 9th-10th लेवल के, जो कि एम ई 11th एंट्रेंस जामिया NTSC ओलम्पियाड CBSE के बोर्ड्स के बच्चे हों या फिर कोई बंदा 10th से 11th की तरफ मूव कर रहा है IT की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत शानदार छोटी सी किताब बना रहा हूँ जिसमें जितने भी मैथ के सारे फॉर्मूले सारे मेरे जितने भी ट्रिक्स होंगे ऑलमोस्ट बहुत जितने भी चैप्टर ट्रिक्स हैं मेरे या फिर करीबन 100 इंडिविजुअल ट्रिक्स मैं उसमें डाल रहा हूँ, और मैंने सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को उसमें डिफाइन किया है कि ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है, और एग्जाम्पल्स के साथ दिया है मैंने, तो उसमें नंबर सिस्टम वाला पार्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और एक दो तीन ही चैप्टर है बस जो बचा हुआ है, आधा आधा काम हो चुका है बस इसका। नंबर सिस्टम का शायद मेरे ख्याल से अभी रिव्यू में बाकी है ना, जिसको कहते हैं क्रॉस चेक या प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीडिंग में तो शायद मैं वो आपको एक तो ब्लिंक करवा दूंगा स्क्रीन पे ब्लिंक करा दूंगा अभी, और साथ ही साथ वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक नंबर सिस्टम की, मैंने पूरी किताब को किस अंदाज में अरेंज किया हुआ तो आपको मिल जाएगा एक चैप्टर, ठीक है, और दिखेगा फिर सारे थ्योरी है ना, तो आपको इसमें उतारने की कोई जरूरत नहीं है, तो बड़े आराम से जो जो बातें मैं बोलने वाला हूँ सब आपको शीट में आप दिख जाएगा, जब मैं ब्लिंक कराऊंगा जो भी पार्ट पढ़ाऊंगा आपको ब्लिंक दिख जाएगा आपको पार्ट, है ना, कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और वो आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा, है ना, PDF, तो आप बेफिक्र उतारने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, यहाँ पे समझने में ज्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि एक घंटा एक सवाल बहुत मायने रखता है ना, तो एक घंटा एक सवाल में उम्मीद करें ऑलमोस्ट बच्चे इस सवाल को करके आ सकते हैं इस वाले पार्ट जिससे अगर कोई सवाल आता है तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले जो आप लोगों को नंबर पढ़ाया जाता है वो यहां से पढ़ाया जाता है कि बेटा जो नंबर है वो बेसिकली रियल नंबर से शुरू होता है, सिर्फ चैप्टर नंबर 10th में पहला चैप्टर जो नाम है वो रियल नंबर है, लेकिन आपको शायद नहीं पता हो नंबरों का बाप भी है एक जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, IIT एडवांस के लिए तो बहुत डीप में पढ़ाते हैं, करीबन 10 लेक्चर हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं, तो नंबरों का बाप भी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो बाल बच्चे हुए, एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, तो जो मैं बार बार इमेजिनरी नंबर किए जा रहा हूं ना वो बेसिकली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बाल बच्चे हैं, और आपको टीचर जो दुनिया दिखाता है बेटा यहां से दुनिया शुरू हो रही है नंबर की, बिल्कुल नहीं, नंबरों का बाप है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रियल नंबर के दो बाल बच्चे होते हैं जो आपको सिखाया जाता है, रियल नंबर सर एक रेशनल शॉर्ट में पहले बाद में लिखते हैं पहले पूरा नाम लिख लेते हैं, दैट इज रेशनल नंबर, है ना, और दूसरा वी हैव इररेशनल नंबर, तो मैं अभी आऊंगा पूरी कहानी तो इसी पे चलनी है रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर पे, तो थोड़ा सा क्यों ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लें, क्यों, क्योंकि जब मैं बच्चों से ये पूछता हूं बताइए रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है, तो रियल नंबर को शॉर्ट में R से दिखाते हैं तो कहता है सर, बच्चे बोलते हैं ना यूजुअली, मतलब मोस्टली बच्चों को मैंने देखा सर रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल, अरे भैया ये तो तब होगा जब इसके भी बाल बच्चे होंगे, तो बाप का डिफिनेशन तो पहले बताओ, बाप का डिफिनेशन पहले बाल बच्चों को आने के बाद या पहले बाप का डिफिनेशन अपना खुद का डिफिनेशन होता है, तो कहते हैं हर वो नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, हर वो नंबर, अभी आएंगे इसमें पूरा डीप में, हर वो नंबर जिसको नंबर लाइन पर ना रियल नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो अब मैं ये बात क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सर कोई ऐसा भी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सर वो ही इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे रियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ जो इमेजिनरी माने उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हल्का सा देखिए मैं साइड में हल्का सा आपको रियल नंबर के सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा, डीप में जा रहा हूं क्योंकि 11th क्लास में पूरा डीप में हम लोग 10-8 लेक्चर में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे
कभी आया नहीं है सवाल, बस मैं ऑलरेडी थोड़ा सा नॉलेज दे चुका हूँ, उसको एक्युमुलेट करके एक जगह में बस लाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो मैं शीट दूंगा ना आपको बैक, वो नंबर सिस्टम का पूरा पीडीएफ, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि मैंने कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को टच किया, क्योंकि मैं थोड़ा एनटीएससी और ओलंपियाड का भी पार्ट को कंसिडर करते हुए वो किताब बना रहा हूँ ना, पूरी किताब में सारे चीजें एक साथ एक्युमुलेट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली स्मॉल सी एंड स्मॉल जेड से दिखाते हैं। कहते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना वो इस फॉर्म में दिखेगा सर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर एक्स, जो एक्स और वाई जो है ना इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो वाई लिखा है इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अभी आएंगे घबराएंगे, में दो मिनट बस ले आप, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहता है सर यहाँ पे जो x और y है ना ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे सिंबल्स के बारे में हम लोग मिल चुके हैं ना, बिलोंग्स टू रियल, r फॉर रियल नंबर, तो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये जो आयोटा है ना, ये इस आयोटा के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस i को हम लोग आयोटा कहते हैं जो कि रूट ऑफ माइनस वन के बराबर होता है। तो हर वो नंबर जो इस फॉर्म का होगा उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे, जिससे इन शॉर्ट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शॉर्ट में आर ई जेड लिखते हैं जो कि एक्स के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लोग आई एम जेड लिखते हैं जो कि यहाँ पे वाई के बराबर है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, कल को अगर नंबर ऐसा लिखा सर 3+4 आयोटा, तो ये इनडायरेक्टली कल को ऐसा भी लिखा हो सकता है 3 और आयोटा रूट माइनस वन, तो 4√-1 ऐसे लिखा है उसके लिए। तो इसमें अगर मैं बोलूं भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट आप बोलेंगे सर 3 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है सर, तो आप बोलेंगे 4 है। आराम से आई के आयोटा के आगे जो लिखा है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। कल को अगर मैं नंबर ऐसे दे दूं √16 और √-25, उम्मीद है बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको सिखाया है साइड्स के अंदर √a·√b वाली बात, तो उस हिसाब से दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है कि ऐसे लिखना हो चाहिए ना, तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोले तो जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, तो इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे तो √16 इज 4 और √25 इज √25 इनटू √-1 −√25, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर है तो ये रियल तो नहीं है बाबा, तो ये ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, बिकॉज रूट के अंदर एक्स अगर डिफाइंड है, रियल डिफाइंड है, तो दिस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत शानदार चीज है, याद रखेंगे अगर ये चीज रियल है तो इसको एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो अगर x का रूट के अंदर स्क्वायर करना, इवन रूट के अंदर अगर ये निगेटिव लिखा हुआ था यानी मामला कुछ गड़बड़ है, तो इसको आपने इस तरह से लिखा, दो नंबर एक पॉजिटिव एक निगेटिव अलग से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये हमारा आयोटा और ये 5 लिखा हुआ था, दिस इज इनडायरेक्टली 4+5 आयोटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। कल को मान लीजिए सिर्फ ना ऐसा लिखा होता सर 10, तो कुछ आपको आयोटा दिख ही नहीं रहा, दिस इज प्योरली रियल नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग प्योरली रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं। इनडायरेक्टली अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 0 टाइम्स आयोटा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0। कहते हैं प्योरली रियल नंबर में y इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं। सिमिलरली कल को अगर ऐसे लिखा होता √-9, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √9 × √-1 और √9 is 3 आयोटा, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, है ना, भावनाओं को समझेंगे, इमेजिनरी लिखा है मैंने, इमेजिनरी नंबर। और प्योरली इमेजिनरी नंबर में एक्स वाला पार्ट 0 होगा, यानी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज 0, देख रहा प्योरली। तो अब जो हम लोगों को दुनिया दिखाई जाती है ना, वो यहां से दुनिया दिखाई जाती है, जब इमेजिनरी पार्ट को एकदम गायब कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी आयोटा वाला पार्ट दिखे नहीं। और आयोटा की सारी कहानी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आयोटा अगर √-1 है तो आयोटा स्क्वायर √-1 का स्क्वायर दैट इज -1 और आयोटा का क्यूब होता है -आयोटा के बराबर और आयोटा का 4 होता है वो 1 के बराबर तो एक बहुत छोटी सी बात है बस अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है सर इसको तो आयोटा रहने दिया आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया और आयोटा क्यूब को -आयोटा लिख दिया और आयोटा का पावर 4 को 1 लिख दिया तो ये गया ससुराल तो दैट इज 0। चारों का सम 0 होगा, इनफैक्ट एक बहुत अच्छा रिजल्ट है क्लास 11 में। कहते कोई भी चार पावर लिखा हो, आयोटा के पावर 200, 201, 202, 203, चार लगातार पावर अगर लिखा हो उसका हमेशा सम 0 आएगा। इस छोटे से बेसिक की चीज से अब बड़े आराम से इस बात को निकाल सकते हैं। तो बस मेरे को बस इतना ही इसमें ज्यादा जाना नहीं है, एक और एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कल को मैं सिर्फ 0 दे दूं, 0,
तो आप बोलेंगे सर इसमें जीरो भी है, जीरो टाइम्स आई भी है जो कि इनडायरेक्टली जीरो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स भी जीरो है साथ ही साथ वाई भी जीरो है ना, तो ये प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। प्योरली रियल होने के लिए वाई का पार्ट जीरो होना चाहिए था, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए एक्स का पार्ट जीरो होना था, यहाँ पे दोनों फुलफिल कर रहा है, इसलिए एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल है एज वेल एज इमेजिनरी है, दैट इज जीरो। जीरो प्लस जीरो आइटा, जीरो इज द ऑनली नंबर दिस इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। बाकी इसके बारे में है ना आयोटा का कॉन्सेप्ट बस इतना आपको पता होना चाहिए था, और एक रूट वाला जो बात ऑलरेडी मैंने बताया था, रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू रूट टाइम्स ए इंटू बी, और फिर मैंने सवाल कराया था रूट माइनस फोर इंटू रूट माइनस नाइन वाला, दैट वॉज नॉट इक्वल टू सिक्स, ये वाली चीज आपको एक बार रिकॉल करना चाहिए। बाकी एज टेंथ लेवल में इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब एंट्रेंस के लिए तो इतना ही काफी है, बाकी टेंथ फाउंडेशन के बैच में देखें तो पूरा एक लेक्चर डेढ़ घंटे खाली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो जो मेन मेन बात होते वो पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो इसमें ऐसा कुछ उतारने वाली बात ऑलमोस्ट सब चीजें मैंने आपको शीट जो ये पेज ब्लिंक कर जाएगा, जो भी आप वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पेज को ब्लिंक करा दूंगा आपको दिख जाएगा जो जो काम काम की बात है वो सब मैंने ये भी लिख रखा है। जैसे नंबर मैंने उसमें जो शुरुआत किया पूरा ब्रांच से शुरू किया है, ये नंबर को कैसे डिवाइड किया गया वो सबसे लास्ट में देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि नंबर को इस वे में डिवाइड किया गया कि पहले सबका बाप कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो बाल बच्चे हुए, एक का नाम है रियल नंबर, दूसरे का नाम है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी के बारे में आप लोग बस इतना याद रखेंगे रूट के अंदर अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर लिखा हुआ ना तो ये रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो फिलहाल इसमें और कुछ है नहीं, यहां तक का नॉलेज में कुछ आपको जो याद रखने वाली चीज है वो बस यही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी काम काम की बात है, आयोटा वाली बात है, जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा तो उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अगर कल को पूछा जाए कौन सा ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो हमारे भाई साहब इमेजिनरी नंबर है। अब आते हैं मेन कहानी पे जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसे रियल नंबर किसे कहते हैं, तो हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देंगे मैं इन दोनों एग्जांपल को साथ में लेके चल रहा हूं अभी, है ना, शायद बाद में हम क्लासिफिकेशन करेंगे अभी। जैसे जीरो है, जीरो बिल्कुल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा, हर काउंटिंग नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके निगेटिव को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना, अप टू माइनस इंफिनिटी कहते हैं, इनफैक्ट हम फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर 1/2 कहते हैं सर, डिसिमल को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर 2.5, और कल को अगर रिपीटिंग डिसिमल भी हो जाए 4/3 है ना, जैसे 1.3 पे बार, तो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद जाके देखेंगे ये बार, ये हुक्का बार वाले जो है ये होते हैं एग्जांपल, ये सबको हम PYQ फॉर्म में ला सकते हैं, ये आएगा भी एग्जांपल 9 का पार्ट में। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रकरिंग डिसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग या रिपीटिंग डिसिमल जितने भी होते हैं सबको PYQ के फॉर्म में लाया जा सकता है। तो आपने 9 क्लास में सीखा हुआ कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, जैसे ये 4/3 1 और 2 के बीच में, तो 1, 2, 3 एक दो दो इक्वल डिवीजन डालेंगे तो अपने आप ये वाला जो पार्ट है दैट इज 4/3, तो रिपीटिंग डिसिमल को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ये फ्रैक्शन तो लिखा हुआ है, डिसिमल को भी कर सकते हैं, डिसिमल दो तरह के, उनको भी रिप्रेजेंट कर लिया, एक बस डिसिमल है जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी कौन तरह के डिसिमल है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो यहां पे आ जाएगा ना, वो इररेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। लेकिन कुछ इररेशनल नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ नहीं क्यों, वो अगर नंबर ऐसे भी लिखा हुआ हो 1.01001001 इनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एवरी डिसिमल जो जिस भी फॉर्म का हो सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से सर आप क्या कहते हैं कि रूट टू को है ना, जो कि एक इरेशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोला पूरा 9 क्लास में ही काम कर रहे हैं, एक यूनिट ऐसे लेते थे फिर एक यूनिट ऊपर जाते थे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेते थे, सर पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट टू निकल के आता था, बस इसको कंपास से ऐसे गिरा देते थे आगे, तो आप बोलते थे सर दिस इज रूट टू, ये आपका हो गया। सिमिलरली रूट थ्री के लिए यहाँ से डंडा खड़ा कर लेते थे, इसको ज्वाइन कर लेते थे, फिर आगे गिरा देते रूट थ्री एंड सो इस तरह से, या कुछ लोग यहीं पे 90 डिग्री बना के आगे चल जाते हैं ना, इस वे में आप मूव कर रहे होते हैं तो चलेगा बिल्कुल। क्या हम रूट 9.3 को कर सकते हैं अगर डिसिमल में दे रखा, बिल्कुल सही, तो और बड़ा अच्छा सा पार्ट था ना, आप शायद 1.4 या 5 में 9 क्लास में आपको प्लॉट करना था, बस एक यूनिट है 9.3 प्लॉट करना, तो 9, 10.3 स्केल में फिर सर्किल बनाओ वगैरह वगैरह, आप जानते हो, पूछेगा नहीं कभी है ना प्लॉट करने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, हर वो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर जो हो, जो नंबर है चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर के दो बाल बच्चे हुए, पहला बड़ा अच्छा
दूसरा बड़ा शरारती बच्चा, दैट इज इरेशनल नंबर। तो एक छोटा वो जेन्युइन डॉट या मैं बच्चों से पूछता हूँ, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ ना, अभी मैं पढ़ाने से पहले, क्योंकि बहुत बच्चे बता रहे सर ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये तो हमें आता है, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए व्हाट अबाउट पाई, पाई कैसा नंबर है, पाई आपको क्या लगता है, पाई कैसा नंबर, रेशनल है या इरेशनल है? तो बच्चा बोलता है सर इरेशनल है। देखिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो इरेशनल बोलता है तो उनसे मैं एक ही सवाल बोलता हूँ कि पाई की वैल्यू कितनी है, तो बोलता है सर 22/7, 22/7। अच्छा रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। आप इसको बोल रहे हैं इरेशनल, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये रेशनल। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नंबर पैदा ही नहीं हुआ जो इरेशनल भी हो और रेशनल भी हो, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो अब बताओ पाई रेशनल या इरेशनल, कंफ्यूजन शुरू। लेकिन जिस बंदे का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होता है ना, बहुत तगड़ा होता है, बोलता नहीं सर पाई तो एकदम इरेशनल है। तो फिर मैं बात करता हूँ, ये बताइए 22/7 क्या है, सर 22/7 इरेशनल है। तो फिर पाई क्या होता है, तो मैं उनसे बस कंफ्यूजन शुरू। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कंफ्यूजन दे रखा है, एनसीईआरटी का 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 है ना, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 है, पेज नंबर 24 है ना, 24 पेज है, 1-2 इधर पड़ेगा आपको, 24 पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, हाँ 3 में बहुत अच्छी से लिखा है उसने 3 में कि एज वी नो द पाई इज द रेशियो, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। अब यह तो क्लियर है ना, ये बहुत बच्चे को बहुत आराम से इसको कवर कर लेते हैं कि हाँ सर ये पाई की जो वैल्यू आप ले रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, पाई के एग्जैक्ट वैल्यू तो 3.141592 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन पाई को अगर डिफिनेशन की बात करें तो ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मेंसुरेशन में भी यूज करते हैं, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज अ रेशियो। फिर मैं उनसे बस कंफ्यूजन शुरू कि बताइए अगर ये रेशियो तो पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर क्यू डायमीटर 0 होगा ही नहीं, अगर डायमीटर 0 होगा तो सर्किल फॉर्म ही नहीं होगा, D is not equal to 0, तो इसको तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो जाके आप देखिएगा एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। तो ये इनफैक्ट आप पी बाई क्यू फॉर्म, लेकिन बहुत गौर फरमाने वाले, पाई बिल्कुल इरेशनल नंबर है। कहता है कि आप जो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना सर्कमफेरेंस और डायमीटर का मेजरमेंट है, स्केल से मेजर कर रहे थे, स्केल में जो भी यूनिट्स में मार्क्ड है उसमें, वो सब एक रेशनल नंबर है ना, एग्जैक्ट रेशियो पॉइंट तक हम नहीं जाके मेजर कर पाते हैं स्केल। तो रेशनल नंबर मान के हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते, लेकिन एग्जैक्ट पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल है, यानी जरूर इन दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल जरूर होगा। और ये वाली बात को हम लोग जानेंगे जब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे आज के पार्ट में, कि दो नंबरों का अगर डिवीजन इरेशनल आ रहा है तो डैम श्योर उन दोनों में से किसी ना किसी एक को इरेशनल होना पड़ेगा। तो जरूर इन दोनों में से कोई ना कोई इरेशनल होगा, तभी ये पाई इरेशनल नंबर है, और सच में पाई इज एन इरेशनल नंबर। बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि पाई। अच्छा एक और कंफ्यूजन है जो मैं पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या एक बड़ा अच्छा सा कंफ्यूजन है जो बच्चों को क्लियर नहीं होता, वैसे आपके लिए सस्पेंस रख देता हूँ। रेशियो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इनमें क्या फर्क, देखते हैं अभी लास्ट तक नहीं क्लियर हो पाता कि नहीं हो पाता, ठीक है। तो बात करते हैं फिर से, हम लोग देख रहा था रियल नंबर किसको कहते हैं, तो हर वो नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो अब बात आती है सर रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कहते हैं रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, इसके लिए रेशनल नंबर रेशियो से निकल के आया रेशियो, और ये क्यू बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्यू क्वेश्चन डिवीजन होता है ना बेसिकली, इसलिए क्वेश्चन से इसको रिप्रेजेंट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, एक सिंबल है बिल्कुल, रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज आर। और रियल नंबर को इन शॉर्ट कल को अगर ऐसे लिखाओ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ऐसे रियल लिख दे एक्स बिलोंग्स टू आर, बात एक ही है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा का पूरा नंबर लाइन, यानी एक नंबर इंक्लूड होगा। और ये बात शायद आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 1 में 9th क्लास में पेज नंबर 4 है रिमार्क शुरू होता है, जो मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको बताया था
बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर लाइज इनफिनाइट रेशनल नंबर ना, तो आपके नाइन्थ क्लास में सब निकालने को कहा गया फाइंड द रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर बिटवीन, वो सब बात आप कर लीजिए, कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, और ये भी जस्ट थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, है ना। तो डिफिनेशन, बच्चों से डिफिनेशन, यहाँ पे भी देखिएगा बहुत बच्चे, यूजुअली 80% बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं, जब भी मैं उनसे रेशनल नंबर का डिफिनेशन पूछता हूँ वो ये बोलते हैं अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस खत्म, इसके आगे बोलते ही नहीं है, और पता है इसका आगे भी इसका डिफिनेशन है। अगर वो जैसे यहाँ पे शांत होते उनके सामने एक पट सा सवाल डाल देता हूँ, बताइए बेटा रूट एक्स अपॉन रूट वाई पी बाई क्यू फॉर्म है, और x कॉमा y को मैं पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये रेशनल नंबर लिखा होगा पी बाई क्यू फॉर्म, हाँ सर पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नेगेटिव जीरो है ही नहीं, ये उस हिसाब से तो ये रेशनल नंबर है, बोला बिल्कुल नहीं, इरेशनल को क्यू सी से लिखते हैं ना या क्यू बार से लिखते हैं, और दोनों बोथ या बोध हो सकता है या कांट से, आप बता नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। सही जो इसका आंसर है ये बोध है, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने जो कंडीशन है इरेशनल होने के लिए वो आपने पूरा फुलफिल भी नहीं किया है। जैसे कल को एग्जांपल आपको पहले कंडीशन ही बता दूं, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, तो इंटीजर होना जरूरी है, और इंटीजर के बारे में थोड़ा सा मैं ऑलरेडी पहले भी बता रखा हूँ, इंटीजर नंबर लाइन पे जितने भी काउंटिंग नंबर है ना, जितने भी काउंटिंग नंबर है अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं ना, काउंटिंग नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके नेगेटिव हैं एंड सो ऑन, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। तो इन नंबर को यहाँ पे रखेंगे हम, तो यहाँ कल को मान लीजिए रूट सिक्स रख दिया और नीचे रख दिया रूट टू, काट दिया तो रूट थ्री, उम्मीद है थोड़ा तो पता होगा रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर भी आ रहा है, और लेकिन कल को अगर मान लीजिए रूट एट रख दिया और रूट टू रख दिया तो ये रूट टू खत्म, रूट फोर बचा, रूट फोर इज टू, तो इरेशनल भी आ रहा है। तो आपको कहते हैं ना अर्ध की गगरी छलकता है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, तो लिटिल नॉलेज आपका बहुत डेंजरस हो सकता है, तो कोई भी नॉलेज रखो तो पूरे अच्छे से नॉलेज रखो, कोई भी डेफिनेशन पता हो तो पूरे अच्छे से पता हो, मैं बता रहा हूँ 80% बच्चे सवाल का रेशनल नंबर का डेफिनेशन यही बोलते हैं, वो ये बात को बोलते ही नहीं है, तो बस पता होना चाहिए पी और क्यू भी इंटीजर होना जरूरी है, बहुत काम आएगा, है ना, पी और क्यू इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन तो क्लियर, तो सर बात कर लेते हैं सर एग्जांपल्स में, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, क्या 5/7 रेशनल नंबर होगा, सोचना ना बताने का, आपने सोचे होना चाहिए इंटीजर इंटीजर, अच्छा -5/7 बिल्कुल होगा सर, क्या गलती है इंटीजर इंटीजर, अच्छा 10 से 10 कुछ तो दिखी नहीं, कुछ नहीं दिखा, तो नीचे जीरो है बिल्कुल नहीं, नीचे 1 लिखा हुआ है तो बिल्कुल ही रेशनल है, अच्छा सर ये बताइए आप एक एक के बारे में क्या कहेंगे, एक के नीचे क्या लिखा हुआ है एक, हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, अच्छा व्हाट अबाउट जीरो, जीरो के नीचे तो जीरो लिखा होता है, बिल्कुल नहीं जीरो के नीचे भी 1 लिखा होता है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म है तो ये भी रेशनल नंबर है, अच्छा सर छोड़िए आप अब तो कुछ नहीं लिखा हुआ है नीचे, नीचे तो 1 है ही नहीं, लो ना भाई जादू करो ना, जादू करके जादू टोना करके नीचे बना लिए जीरो, सॉरी नीचे बना लिए 100, आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते सब रेशनल नंबर, कल को अगर सर ऐसा लिखा हो 1.3 पे बार, अब तो नीचे उड़ा ही नहीं सकते हो आप, ये जादू से जो अभी जादू टोना कर रहे थे कर ही नहीं पाओगे आप, कोई नहीं अभी सीखेंगे ना, थोड़ा देर बाद सीखेंगे ये चीज, इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, तो ये वाला भी रेशनल नंबर है। अब दो तीन एग्जांपल बस आप सोचना बताना कि वो रेशनल है या नहीं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, रेशनल है बिल्कुल नहीं, ये चलेगा इंटीजर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, बोला बिल्कुल नहीं, तो रेशनल नंबर है ही नहीं, अच्छा चलो चलो लो इंटीजर इंटीजर पी बाई क्यू फॉर्म अब तो रेशनल, बोला महाबकवास सर आप इतने बार बता चुके हो नीचे कभी जीरो नहीं होता, नीचे लिखा हुआ जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, तो ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एक छोटा सा शानदार सवाल जो मैं इस तरह से करवाता हूँ ये है जहाँ पे एक अच्छा चीज सीखने को मिलता है, और बाकी बेसिक एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें सीख लिया इसमें से उतारने वाली कोई चीजें नहीं है, मैं सब चीजें आपको शीट में प्रोवाइड कराया हुआ हूँ, तो कुछ मत उतारिए आप, थोड़ा सा बस मैं सांस लेके बस 2 मिनट में शुरू करते हैं नेक्स्ट का पार्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, वैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे अंदाज में पढ़ना चाहोगे आप लोग, बेसिकली मैं रेशनल नंबर को ना 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, 3 पार्ट में, कहते हैं कि ये तीनों रेशनल नंबर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट एग्जाम्पल,
और तीन में पहला पार्ट हो गया कि जो भी नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखे हुए हों, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। इसी पार्ट को सीख लेने के बाद जब मैं इरेशनल नंबर पे आऊंगा तो मैं इरेशनल नंबर, एक तो डिफिनेशन से चलेगा ही चलेगा, मैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंपैरिजन से पढ़ाता हूँ। अगर ऐसे वाले इरेशनल तो इससे मिलते जुलते वाले कौन से वाले इरेशनल है ना, बिल्कुल डिफरेंट, कभी किसी किताबों में आपको इस अंदाज में नहीं दिखेगा, अपना बनाया हुआ तरीका है। तो पहले इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को पहले अच्छे से जान जाते हैं, है ना। रेशनल नंबर का डिफिनेशन सीखा, एग्जाम्पल सीख लिया, थोड़ा अच्छे जान जाते। कल को अगर आपको रेशनल नंबर मैं पढ़ा दूँ और इरेशनल ना भी पढ़ाऊँ, तो आपको कल को मैं नंबर दे दूँ रियल नंबर इतने सारे, इसमें से छाटो रेशनल कौन कौन से हैं, तो रेशनल छाट लो, इरेशनल अपने आप जो बच जाएंगे वो इरेशनल हो जाएंगे। फिर भी जितने अच्छे से हम लोग रेशनल सीखेंगे उसके लाख गुना अच्छी तरीके से हम लोग इरेशनल को सीखेंगे। उससे पहले जरा रेशनल नंबर का पहला डिफिनेशन जो मैं आपको बता रखा हूँ, एक दूसरे अंदाज में रेशनल नंबर को सीखते हैं। कहते हैं सम वेरी स्पेशल, यानी सम स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए उतारना कुछ नहीं, सब बातें आपको शीट में ब्लिंक हो जाएगा, अभी जो जो बातें मैं इधर बताऊंगा वो इधर ब्लिंक होगा, जो इधर बताऊंगा वो इधर ब्लिंक होगा। तो आप बड़े आराम से इसमें से कुछ उतारना नहीं है, बस चीज को सुनते रहे, बहुत आराम से एकदम सादगी के साथ सुनते रहे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबरों का शुरुआत होता है, जितने भी नंबर आने वाले हैं सबके सब, है ना, सबके सब आपको रेशनल ही होंगे। पहला, सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा होगा नेचुरल नंबर। कहते हैं शॉर्ट में हम लोग नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं, और इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता रखा हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, क्यों लिखना है, इस सब बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। और एक और बहुत अच्छा चीज है, तीन डॉट सिग्निफाइज एंड सो ऑन, ना तीन से ज्यादा हम लोग फ्लो में मार देते हैं, इसके लिए तीन डॉट ना अप टू इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, आगे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो कहते हैं नेचुरल नंबर इज द ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर द सेट या द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो सर सेकंड, होल नंबर किसे कहते हैं? तो कहते हैं सर होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, अक्सर बच्चे बोलते हैं द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर, बिल्कुल कोई गलत नहीं बोलते हैं, कलेक्शन बोले ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके आगे भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो होल नंबर को आप ऐसे बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, जीरो भी अगर ले लिया जाए तो ये होल नंबर होगा, है ना, बिल्कुल होल नंबर होगा। तो छोटा सा सवाल यहाँ पे आता है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? बोला बिल्कुल, आप ट्रू फॉल्स में देख लीजिएगा, एमयू में पूछा हुआ आपके सेटिंग में दे रखा है, तो बहुत सारे ट्रू फॉल्स आपको जो शीट में दिख रहा होगा बहुत सारे मैंने नोट करके लिखे, हो सकता है सारे नोट को मैं कवर ना करूं, आप बिल्कुल उस नोट को जरूर पढ़ेंगे कि क्या लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। तीसरा जो नंबर है दैट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से भी दिखाते, दोनों सिंबल है। कहते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स along with their negative, along with their negative, including zero, zero को भी आपको साथ में रखना है, along with their negatives, -2, -3 and so on, इधर minus infinity होगा, इधर plus infinity होगा। अगर पूछा जाए सबसे largest natural number कौन सा होगा, तो infinity, सबसे smallest natural number कौन सा होगा, तो one, सबसे largest whole number कौन सा होगा, infinity, सबसे smallest whole number कौन सा होगा, zero, clear, सबसे लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो इन्फिनिटी, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो माइनस इन्फिनिटी। अब कहते हैं इसके भी भाग बच्चे हुए, इसके तीन भाग बच्चे हुए ना, चार भाग बच्चे हुए, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उस चार भाग बच्चों से पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट है जो जीरो के बारे में ध्यान रखेंगे। कहते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, तो एक खानदान तो आया पॉजिटिव इंटीजर का, वो इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो ये हो गए सारे। अगर ये नोट देखा जाए तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा ना ही नेगेटिव में, तो नेगेटिव इंटीजर आई नेगेटिव इस तरह सिंबल या ऊपर जेड ऊपर नेगेटिव ऐसे कर दिया जाए, है ना, तो दोनों सिंबल चलेगा। कभी कभी ना ये जेड में बीच में ऑपरेशन कर देता हूं मैं, इसको घबराएंगे नहीं, इसके लिए क्या होता है जल्दीबाजी में जेड लिखने में और टू लिखने में एक ही जैसा दिखता है, इसलिए ऐसे जेड लिखा, कुछ कुछ किताबों में आपको जेड इस तरह से भी दिखेगा, ठीक है। अब एक खानदान ये, दूसरा खानदान ये, दूसरा बाल बच्चा ये, तीसरा बाल बच्चा के बारे में और चौथे बाल बच्चे के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वैसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना, तो जो पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव वाला चलेगा? बोला बिल्कुल चलेगा सर, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। क्या हम जीरो ले सकते हैं? बोला बिल्कुल, उस स्टेटमेंट को जरा गौर फरमाए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव के हिसाब से जीरो बिल्कुल यहां पे लिया जाएगा, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, साथ ही साथ नॉन निगेटिव इंटीजर,
इसके बारे में मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल में शुरुआत किया था, तभी मैंने ये वाली बात इंटीजर को बहुत अच्छे से समझाया था। नॉन एंड निगेटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो निगेटिव ना हो तो पॉजिटिव चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या हम जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल, इस स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव, तो जीरो बिल्कुल लिया जाएगा। इसलिए कल को अगर हम ऐसा बोले कि ये होल नंबर इनडायरेक्टली होल नंबर लिखा हुआ था, बिल्कुल कोई गलत नहीं। इसमें फर्दर कुछ कुछ इवन नंबर भी बोल देते हैं, कहते हैं क्या इवन नंबर किसे होगा? हर वो नंबर जो दो से कट जाए। बिल्कुल सर, दो से कट जाए। अगर इवन कल को अगर आप इवन इंटीजर भी बोलते तो कोई एतराज नहीं है, दो से कटने वाला, तो प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, है ना, पॉजिटिव निगेटिव अलग से लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल जो यूजली आता है, क्या जीरो इवन है या नहीं है? जीरो इज इवन और नॉट? तो मैं अपना अंदाज में से, यूजली बच्चे जो बोलते हैं जीरो इज सर नॉट इवन नंबर, सर जीरो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, मैं बताऊं जीरो में तीन चार तरह से बता सकता हूँ जीरो इज एन इवन नंबर। सबसे पहला डिवीजन, डिफिनेशन के हिसाब से जीरो को हमने दो से काटा, बिल्कुल कट रहा है ना, जीरो कट जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो जीरो को तो इवन नंबर होना पड़ेगा डिवीजन डिफिनेशन के हिसाब से, पहला। दूसरा, हर इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n को माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन, टू, थ्री, फोर, जीरो भी रख सकते, तो हमने n को जीरो रखा, तो n को जीरो रखा था, 2 × 0, द रिजल्ट इज जीरो, तो बिल्कुल ये उस वाले पार्ट को भी फुलफिल करता। तीसरा, हर इवन नंबर के बीच में दो का गैप होता है, दो का गैप होता है, देख लीजिए आप, 2, 4, 6, 8, 10, हर के बीच में दो का गैप है, तो दो से पहले कौन सा नंबर होगा? जीरो, जो कि दो के गैप में, तो जीरो ही इवन नंबर। एक और प्रोफेस का, हर इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करता है, खत्म होता है, तो जीरो तो खुद जीरो से खत्म हो रहा है, तो ये दिमाग से पहले तो निकाल दीजिए कि जीरो इवन नंबर नहीं होता, बिल्कुल जीरो इज एन इवन नंबर, ठीक है। और इंटीजर बोले तो और खास, बिल्कुल इंटीजर जीरो इज एन इवन इंटीजर। अगला इज ऑड नंबर या ऑड इंटीजर, तो हर वो नंबर जो दो से ना कटे, तो दो से ना कटे तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस पांच, प्लस माइनस सात, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू। अब एक अपना एक्सपीरियंस 2014 या 15 की बात है, एक बच्चा ऐसे ही अपने अंदाज में ना सर कह रहा है, और सर ये बताइए जीरो इवन का है, जीरो इवन का है, जीरो को तो हम तीन से भी काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए आप जीरो को हम तीन से काट रहे हैं, देखिए कट रहा है ना। तो मैंने बोला भैया आप इवन का डिफिनेशन बताओ, नंबर डिविजिबल बाय टू। तो मैंने कहा जब भैया दो से काटने के लिए बोल रहा है तो तीन से काहे काट रहे हो, और डिफिनेशन कहा था दो से काटना है, दो से कटा तो इवन, दो से ना कटा तो ऑड, तो तीन क्या, जीरो तो सबसे कट जाता है, तो डिफिनेशन यही कहता है दो से कटने वाला, दो के मल्टीपल को है ना हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो ये पांच नंबर, ये सारे नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये सब स्पेशल टाइप के रेशनल नंबर है। अब आते दो बड़े बकवास से, बकवास के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, छठा पार्ट, दैट इज प्राइम नंबर, ये थोड़ा मजेदार है। कहता है प्राइम नंबर हर वो नेचुरल नंबर, कंडीशन है यहाँ पे नेचुरल नंबर होना जरूरी है। हर एक सवाल 2016 में या 16 में या 17 में आया हुआ है प्राइम नंबर, हर वो नेचुरल नंबर। अच्छा, बच्चों को जो मैं पूछता हूँ कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताइए, प्राइम नंबर बोलते हैं सर हर वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट वन। हाँ बिल्कुल, बचपन में आपको ये पढ़ाया जाता है, तो गलत नहीं है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, बड़े हो गए तो बड़े वाले हिसाब से डिफिनेशन दो, फैक्टर्स वर्ड आपको ऑलरेडी बता दिया गया, तो कहते हैं विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, हर वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, है ना, नेचुरल नंबर होना जरूरी है। अब गौर फरमाइए, एक्सेप्शन वाली बात जो वन बोल रहे थे तो अपने आप गायब हो गया, वन तो एक ही फैक्टर है, सिर्फ वन, लेकिन व्हाट अबाउट टू, टू के सिर्फ दो फैक्टर है, वन एंड टू, थ्री के भी दो फैक्टर है, वन एंड थ्री, तो बिल्कुल प्राइम नंबर। व्हाट अबाउट फोर, बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। व्हाट अबाउट फाइव, बिल्कुल प्राइम नंबर है, वन एंड फाइव, क्योंकि फोर के तीन फैक्टर हो गए, वन, टू एंड फोर, एग्जैक्टली टू फैक्टर आने चाहिए, सिर्फ दो, दो से ज्यादा नंबर से किसी से कटे ही नहीं हो, तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली, अभी सर एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। अच्छा, व्हाट अबाउट सिक्स, बिल्कुल नहीं, सेवन है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन नहीं है, 40 से बड़ा, सोचो 40 से बड़ा कोई प्राइम नंबर, 41, 41, एग्जैक्टली 41। आप इसको हेल्प करेगा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसलिए मैंने बेसिक बोला था, डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए,
डिविजिबिलिटी। और एक और चीज है जो मैं आपको शीट में लिंक कर रहा होगा कि प्राइम नंबर को पता करना, तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, नाइन्थ वालों को मैं पढ़ा देता हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सवाल आपको पूछना है कि ये बताइए, एक से लेकर 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है? तो इस सवाल को अगर ऐसे पूछा जाए तो बहुत मजेदार है कि अगर एक से लेकर 100 तक मैंने नंबर कार्ड डाल दिया है, उसमें से रैंडम एक कार्ड निकालूं, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक प्राइम नंबर होगा? तो ये वाली बात अगर आपको नहीं पता हो कि एक से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25, तो बैठ के आप उसमें से ढूंढते रहोगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, एक से लेकर 25, एक से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर। तो सर एक से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर है? 25 का आधा कर दीजिए, 12.5। ऐसे ऐसे जवाब पाते हैं बच्चों के, ये मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक से लेकर 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक से लेकर 50 तक में 15, एक से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर इज 3। और एक बहुत जनरल सवाल जो मैं बच्चों से पूछता हूँ, है ना, सुनेंगे आप भी सुनेंगे, बहुत शानदार। There are how many numbers which are even and prime? तो बच्चे बोलते हैं सर 2, 2, 2, 2, नहीं सर 1, 1, 1। तो कंफ्यूजन है बहुत, क्योंकि सवाल ना दिल और दिमाग दोनों का कंफ्यूजन जनरेट करता है। कैसे, मैं क्या पूछ रहा हूं, देर आर हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इवन और प्राइम है? तो दो ही एक ऐसा नंबर है, 2, 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। दो ही एक शानदार ऐसा नंबर है जो कि इवन और प्राइम है। तो ऐसे कितने नंबर है? तो सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही नंबर हुआ ना 2, तो द करेक्ट आंसर इज 1। अब दिमाग में चलता है 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, मैं 1 के बारे में पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो 2 के बारे में पूछ रहा हूं। ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इवन और प्राइम है? तो द ओनली आंसर इज 2। और काउंटिंग में कितने हैं वो? तो सिर्फ 1। तो ये बड़ा दिल और दिमाग को कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो ये बहुत शानदार सवाल लगता है मेरे को, तो कभी ना कभी इस टेस्ट पेपर में डाल देता हूँ, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप अगर कहीं नहीं लिखा नोट तो आप इसको उतार लेंगे, मुझे लिखा होगा बिल्कुल शीट में। अच्छा, प्राइम नंबर तो अपने में पेचीदा ही है, इसके बाल बच्चे और पेचीदा कर देते हैं, कहते इसके भी 2 बाल बच्चे हुए, एक को हम लोग कहते हैं को प्राइम और दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम। ट्विन प्राइम से याद आया, चॉकलेट वाला ट्विन प्राइम पे पूछूंगा, ठीक है। को प्राइम कहते हैं, को प्राइम का दूसरा नाम रिलेटिवली प्राइम भी है, इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता होता, एमबीबी टेक में एक सवाल आया था तो आप नहीं कर पाते, है ना, फिर भी इसका दूसरा नाम रिलेटिवली मिलता जुलता प्राइम, रिलेटिवली प्राइम भी होता है। भावनाओं को समझेंगे, मैं बहुत अच्छे से आज डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहा हूँ, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं इसको। डिफिनेशन सुनते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीजें आप पढ़ते हैं, पता है एसीएफ वगैरह सब आपको आता है, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा चीजें। को प्राइम, pair of two numbers need not to be prime, जरूरी नहीं है कि दोनों prime, but their SCF should be one, मतलब वो one के अलावा किसी से कटे नहीं। और ये बड़ी खास बात होती है, हर prime number में बड़ी खास बात है, कोई भी 2 prime number उठा के देख लो आप, वो one के अलावा किसी से कटे गए। तो यानी अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ pair of two prime number, 2 prime number का pair जो कि SCF one दे, या they are divisible by only one, है ना, ऐसा समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं 2, 3, बिल्कुल छोड़ो 1, 2 लिख देता हूँ, वर फॉर माई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन 1, 2 1 के अलावा किसी से कट ही नहीं रहा। पेयर ऑफ टू नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, बट दे आर डिविजिबल बाय ओनली 1, या देयर एसएफ इज ओनली 1। व्हाट अबाउट 3, 4, व्हाट अबाउट 4, 5? 2 लगातार नंबर हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं, नोट में आपको दिख जाएगा। पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अच्छा, वॉट अबाउट 2 प्राइम नंबर्स, 2, 3 ले लूँ, 5, 7 ले लूँ, या 2, 5 ले लूँ, या 3, 41 ले लूँ, 41, 43 भी प्राइम नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर है, जस्ट बोलने वाला था, 2 कोई सा भी प्राइम नंबर का पेयर ले लो, वो हमेशा हमेशा वो 1 के अलावा किसी से कटेंगे नहीं, इसलिए पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अब आप लोगों से चैलेंज, दोनों नोट आपको दिख जाएगा। इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल सोचो, नंबर ना तो कंसेक्यूटिव होना चाहिए ना ही नंबर्स को प्राइम होना चाहिए और वो को प्राइम हो। क्या 2 इवन नंबर कभी प्राइम हो सकता है? 2 इवन नंबर, पेयर ऑफ 2 इवन नंबर कभी नहीं, जो पेयर ऑफ इवन नंबर होगा 2 से कट जाएगा, तो सिर्फ 2 आएगा, तो इसके बारे में ना सोचा। तो एक इवन लेना पड़ेगा, एक ऑड लेना पड़ेगा। जैसे मैंने स्क्वायर लिया 9 और 25, 9 और 25 देख लीजिए आप, 1 के अलावा किसी से कट ही नहीं रहा,
मैं 9 और 16 ले लूँ, 9 और 16, ठीक है, ये भी मन के अलावा किस नहीं कट रहा था, ना ही ये कंसेक्यूटिव है ना ही दोनों प्राइम है। और बड़ी खास बात है यहाँ पे, तो कम से कम एक ना एक प्राइम है, एक ना एक प्राइम है, यहाँ पे दोनों प्राइम नहीं है, दोनों नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन तब भी वो को प्राइम है। तो ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो दोनों प्राइम नहीं हो लेकिन तब भी वो को प्राइम हो सकते हैं। वैसे बहुत सारे पेयर और ये को प्राइम बहुत काम का है। इनफैक्ट जब मैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन पूछता हूँ बच्चों से, यू डिफाइन रेशनल नंबर, तो बहुत रेयर बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं जो ये डेफिनेशन बोलते हैं, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 10th में, नहीं 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 1 में ही रेशनल नंबर है, पेज नंबर 3 में बड़े अच्छे से ये वाली बात को लिखा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर। तो को प्राइम वाली डेफिनेशन इसलिए उस वक्त नहीं बताता हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कल को ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हो एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम बोल दे तो कोई गलत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5/10 लिखा, लेकिन को प्राइम ही नहीं सर, तो 5 से कट रहा है, इससे कोई नहीं, 5 से दोनों को काट दो, तो ये क्या लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 तो मांगे ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे ये दोनों अभी भी ये दोनों इंटीजर है, लेकिन ये सिंपलेस्ट इंटीजर, आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखे हुए, कहते हैं सारे फ्रैक्शन आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये आपके एनसीईआरटी में, नहीं 9th क्लास में, पेज नंबर 3rd में, 1, 2, 3 इधर के पेज में पढ़ेगा आपके, है ना, बड़े अच्छे से बीच में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस, दे आर ऑल रेशनल नंबर्स, तो इक्विवेलेंट। कल को मैं यहाँ पे ना ऐसा लिख दूँ 3/6, ये भी 1/2 लिखा हुआ है, कल को मैं 4/8 भी लिख दूँ सिंप्लीफाई करके, ये भी 1/2 लिखा है, तो दे आर ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 1/2, द सिंपलेस्ट फॉर्म, ना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो 1/2 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वहां पे मैं डिफरेंशियल को प्राइम पे इतना फोकस इसलिए नहीं करता हूँ कि बच्चे को प्राइम के बारे में जानते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए को प्राइम आगे भी काम आने वाला है, आगे भी डिफरेंशियल में को प्राइम वर्ड यूज हुआ है एनसीईआरटी में, 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी वर्ड यूज हुआ है, इसलिए को प्राइम को बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर से मैं आपको डिफरेंशियल को रिकॉल करा रहा हूँ, पेयर ऑफ टू नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम, जरूरी नहीं को प्राइम हो, बट देयर एससीएफ शुड बी वन, उनका एससीएफ बनाना चाहिए। चलिए आते जरा जुड़वा प्राइम के बारे में जानते हैं, यहाँ बहुत अच्छे सुनेंगे ना, कहते हैं पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, ले बवाल, प्राइम नंबर यहाँ पर होना जरूरी है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज टू, उनके बीच की दूरी दो की होनी चाहिए, डिफरेंस इज टू, बोला ठीक है सर, डिफरेंस इज टू, लीजिए 2.4 है, क्या हो गया 2.4 प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नहीं है, क्यों, दो का डिफरेंस चाहिए ना, डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अरे भैया प्राइम नंबर तो होना जरूरी है, प्राइम होना जरूरी है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है कोई नहीं, प्राइम नंबर ले लेते हैं ना, 3 और 7, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, क्यों, क्या हो गया, ये को प्राइम सॉरी ट्विन प्राइम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस अब हमने 2 का नहीं रखा है, प्राइम तो ले लिया लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं रखा, तो ठीक है आप ही सोचना शुरू करिए, ऐसे पेयर जो दोनों प्राइम हो और 2 का गैप हो, सबसे पहला नंबर मेरे को दिख रहा है 3.5, दूसरा नंबर जो मेरे को दिख रहा है दैट इज 5.7, तीसरा नंबर जो हमें दिख रहा है दैट इज 11.13, और भी आप सोचें, और भी आप सोचें, बहुत सारे सोच सकते हैं आप, 17 और 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19,
ऐसे 100 ही सॉरी 8 ही ट्विन प्राइम के पेयर, सिर्फ 8, 4 तो मैंने लिख दिया, बाकी 4 आप सोचे तो बहुत ज्ञानी हो जाएंगे आप। और एक बहुत अच्छा सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ मैं आपको, कहते जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स है ना वो सब इस फॉर्म में होते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब वो 6 से जब काटोगे आप तो एक 6 से कम, 6 से मल्टीपल के एक कम होगा, एक 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, जैसे एक्सेप्ट इसको छोड़कर जितने भी नंबर हो 6 के मल्टीपल में, चाहो तो देख लो आप 6 के मल्टीपल से एक कम और एक ज्यादा, 6 एकम 6, 6 से एक कम और 6 से एक ज्यादा, 6 दूनी 12, 12 से एक कम 12 से एक ज्यादा, 18, 18 से एक कम 18 से एक ज्यादा। अब इसी हिसाब से 24 से कम 23 और 25 जाए तो ये तो ट्विन प्राइम है ही नहीं। तो सुनेंगे आप, एवरी ट्विन प्राइम आर ऑफ दिस फॉर्म बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जो इस फॉर्म का होगा वो ट्विन प्राइम होगा, ऐसा कहना गलत है, लेकिन जो ट्विन प्राइम होगा वो इस फॉर्म का जरूर होगा, सही है। तो इसी अंदाज में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे 1 से लेकर 100 तक में आपको 6 के मल्टीपल कितने ही है, तो 16 पेयर बनेंगे, तो 16 में से सिर्फ 8 ही ऐसे पेयर होंगे
बस इस 3.5 इस रूल को फॉलो नहीं करता, बाकी सब टू इन प्राइम नंबर इस रूल को फॉलो करता है। तो पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स सो दैट देयर डिफरेंस इज टू उसको हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, जुड़वा प्राइम। आज का चॉकलेट सा भी आएगा ट्विन प्राइम में, देखते हैं। उससे पहले एक सातवां नंबर है, वो भी बड़ा तंग करता है, दैट इज कंपोजिट नंबर। उसको भी जरा जान जाते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इसका कोई सच्चा सिंबल नहीं है ना, उनके सब सिंबल्स होते हैं, इवन नंबर के भी कोई सिंबल नहीं है, और नंबर के भी कोई सिंबल नहीं है। कंपोजिट नंबर कुछ लोग इसका डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, एवरी नंबर विच आर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट वन, फिर से एक्सेप्ट वन वाली बात। तो अब क्लियर है, अ नंबर विच आर मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए, मोर देन टू फैक्टर्स, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो अब ये वन वाली बात तो अपने आप गायब हो गई भाई, वन वाली बात तो अपने आप गायब हो, वन तो एक ही फैक्टर है, टू भी अपने आप गायब हो गया, सिर्फ दो ही फैक्टर, तो थ्री भी गायब हो गया, फोर से शुरू होगा, फोर फाइव गायब हो गया, सिक्स सेवन गायब हो गया, एट नाइन टेन एंड सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, तो चार सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा, तो बहुत दूर में जाके दिखता है नाइन। देर आर हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन वन टू हंड्रेड, बच्चे बोलते हैं 75, बिल्कुल नहीं 74, क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम। बहुत अच्छा सा शानदार सा नोट आपको दिख गया होगा लिखा हुआ, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। या एक और डिफिनेशन भी चलता है इसका कंपोजिट का, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट एक्सेप्ट वन, यानी वन एक ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं है, बाकी प्राइम के नंबर जितने भी छोड़ दो, सब के सब जो जो बचेंगे आपको सब कंपोजिट हो जाएंगे ना, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर होना जरूरी है। नेचुरल नंबर विच आर प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नेचुरल नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। बीच बीच में आपको शायद क्लोजर प्रॉपर्टी के भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टीज आपको इस नेचुरल नंबर होल नंबर में दिख रहा होगा, क्लोज अंडर वगैरह वगैरह, उसमें घबराए नहीं आप। वो क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, उसको मैं लास्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ ऐसा कुछ उतारने वाली बात तो आपको है नहीं, हमेशा आप शीट देख लीजिएगा, दोनों जो जो बातें मैंने पढ़ाई वो सब चीज़ आपको ब्लिंक कर रहा होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको उतारना हो इसमें फिर भी उतार लीजिए आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट।